हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है दिवाली स्पेशल रेसिपी मावा बाटी। यह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान तरीके से हम मावा बाटी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। तो सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में मैदा लिया है। अब इसमें घी डालेंगे। तो इसमें 2-3 चम्मच तक घी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक ही बार में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और गूंद करके इसका डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा बन गया है। इसको ढक करके एक साइड रख देंगे सेट होने के लिए। और इसके लिए चाशनी की जरूरत पड़ेगी, तो हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में चीनी लिया है। इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे जिसमें चाशनी बनाते बन जाए। और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, जितना चीनी लिए हैं उतना ही पानी डाल देंगे। गैस पर रख देंगे, हल्की गाढ़ी सी चाशनी बनानी है इसकी। मावा बाटी के लिए चाशनी थोड़ी चिपचिपी सी रखनी है, बहुत पतला नहीं रखना है। जैसे चाशनी हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही चाशनी हमें बनानी है इसके लिए। तो ये देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी होने लगी है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, चला करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे। तो ये देखिए इतनी ही गाढ़ी ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। गैस ऑफ कर देंगे, चाशनी हमारी बन गई है। एक साइड रख देंगे इसको। और ये मैंने खोया लिया है। खोया में मैंने चीनी पहले ही ऐड कर दिया है भुनने टाइम ही खोया को। और ये ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने, इसमें है काजू बादाम और नारियल है। नारियल को मैंने कद्दूकस करके लिया है और काजू बादाम को मैंने बारीक सा कट कर लिया है। चीनी मैंने पहले ही डाल दिया है इसमें। आप चाहें तो अभी जब ये बादाम काजू और नारियल ड्राई फ्रूट्स जब ऐड करने लगेंगे ना, उस टाइम में आप डाल सकते हैं पीसी हुई चीनी, अगर पहले नहीं डालेंगे तो। तो चलिए अब मावा बाटी बना लेते हैं। तो डो लेंगे, थोड़ा सा इसको मसल करके और गूंद लेंगे। और इस तरीके से करके छोटी छोटी सी लोइयां तैयार कर लेंगे, लोइयां बना लेंगे तोड़ के। इस तरीके से करके गोल करेंगे और फिर ऐसे हाथ से इसको बढ़ा लेंगे, ऐसे थोड़ा सा कटोरी के शेप का करेंगे। और अब इसमें बीच में स्टफिंग डालेंगे खोया वाला। ये देखिए ऐसे लड्डू के जैसे बना करके ऐसे डाल देंगे। और ऐसे किनारों पे पानी लगा करके इसको अच्छे से पैक करना है। पैक कर देंगे अच्छे से। तो ये देखिए एक मावा बाटी हमारी तैयार है फ्राई करने के लिए। इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे। पानी लगाना इसमें ना भूलें, पानी लगाएंगे तभी अच्छे से पैक होगा, अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए अब मैंने पूरा बना लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम होने के लिए गैस पे रख दिया है। हल्का गरम ऑयल हमें चाहिए फ्राई करने के टाइम। इसमें जब डालेंगे कढ़ाई में तो हल्का सा गरम होना चाहिए। अभी मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है। जैसे ही थोड़ा एक साइड सिक जाएगा ना, इसी तरीके से ऐसे कर करके पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई करना है।
तो ये देखिए एकदम अच्छे से फ्राई हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। और हम इसको चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी जब ठंडी हो जाएगा ना, तो हल्का सा इसको गरम कर लें, हल्का गुनगुना सा चाशनी रहनी चाहिए। चाशनी में डाल करके चला देंगे थोड़ा, और फिर इसको 1 से 2 घंटे तक ऐसे ही रख देंगे इसको, तो हमारा मावा बाटी सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसको मैंने 2 घंटे बाद लिया है, कितनी अच्छी मावा बाटी बनी है। तो फ्रेंड्स अब हमारी रेसिपी बन करके तैयार है, मावा बाटी बन करके तैयार है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।